आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही डिफरेंट टाइप की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही यमी लगती है। हमेशा पनीर, मशरूम और मतलब ज़्यादातर हम लोग ऐसी ही चीज़ें बनाते हैं, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक बार आप तो इस मिर्च की सब्ज़ी को ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। तो ये वाले जो बड़े वाले मिर्च होते हैं ना, इसकी ज़्यादातर लोग भजी बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं या सूखी सब्जी बनाते हैं, लेकिन आप इस बार ग्रेवी के साथ में बना के देखिए, बहुत ही मज़ेदार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आएगा इसका। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम, पूनम किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी न्यू ईयर आ रहा है, आप इस जो लजीज सी सब्जी है इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने बड़े वाले जो मिर्च नहीं आते हैं, तो ये 5 ले लिए हैं, और इनको इस तरीके से बड़ा बड़ा थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। बहुत ही आराम से ये कट जाते हैं। अगर अंदर से आपको लग रहा है कि सीड्स इसके टाइट हैं, तो सीड्स निकाल दीजिएगा, वैसे जल्दी टाइट नहीं होते हैं। और इस तरीके से मैंने देखिए इनको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। एक अनियन लिया है मीडियम साइज़ का, इस तरीके से इसको 4 भाग करके इसके हमें लच्छे निकाल लेने हैं। तो जो जैसे हम लोग पनीर जो प्याज़ा खाते हैं ना, तो उसमें बड़े बड़े लच्छों का यूज़ करते हैं, या कढ़ाही पनीर खाते हैं उसमें भी डालते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े प्याज के टुकड़े निकाल लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा उनको, और जो छोटे छोटे पीस बचते हैं उनको अलग कर लीजिएगा, तो उसका हम बाद में ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। और ये बड़े बड़े लच्छे साइड में निकाल लेते हैं। तो जो अनियन के छोटे पीस थे, ये देखिए मैंने एक साइड में कर लिए हैं, और इसको डाल दिया मिक्सी के जार में। अब ये सब्ज़ी थोड़ी सी स्पेशल तो है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कैप्सिकम लिया है, और कैप्सिकम को इस तरीके से इसके सीड्स निकाल देंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। रफली चॉप कर लीजिएगा, क्योंकि इसको भी हमें ग्राइंड करना है। यहाँ पर सब्ज़ी को रिच बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोई काजू या बटर का यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पर हम कैप्सिकम का यूज़ करेंगे। तो पूरा एक कैप्सिकम मैंने रफली चॉप कर लिया है, और मिक्सी के जार में डाल देना है, जिसमें हमने प्याज कट करके डाले थे ना, और 2 टमाटर है रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। बिना पानी डाले इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया, कुछ इस तरीके का ये बनकर रेडी हो जाएगा। इसको साइड में रख देते हैं। एक यहाँ पर बोल लिया है, इसमें डाल दिया 1/2 कप फ्रेश दही। अब इसमें बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए मैंने 2 चम्मच भरकर ये धनिया पाउडर डाल दिया है, और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना है यहाँ पर, और अच्छा सा एक बार मिक्स कर देंगे। जब दही को अच्छे से फेंट देते हैं ना, तो ये सब्जी में डालने के बाद ये फटेगा नहीं। बस यहाँ पे दही फेंट लिया है। अब 2 चम्मच मलाई, जो दूध में मलाई आ जाती है ना, 2 चम्मच इसमें डाल देंगे, और कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि इस सब्ज़ी में हमें रिच फ्लेवर देना है ना, इसलिए यहाँ पे मलाई का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको साइड में रखते हैं। एक कढ़ाही रख दिया गैस के ऊपर, गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिएगा। 2 चम्मच तेल डाल देते हैं इसमें। सब्ज़ी तो सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है, तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो हमने मिर्च और अनियन को देखिए लच्छों में कट किया था ना बड़े बड़े, इनको इसमें डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं बहुत देर के लिए नहीं। गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखा है मैंने, और हाई फ्लेम पर इनको हमें 1 मिनट के लगभग पकाना है। बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं रखना है, इनका एक क्रंची जो क्रंचीनेस होती है ना सब्ज़ी की, वो बनी होनी चाहिए। बस इनका कच्चापन निकल जाए और ये क्रंच बरकरार रहेगा सब्जी में, तभी सब्जी में मज़ा आएगा। 1 मिनट इसको देखिए हमने भून लिया है, बस इसको निकाल लेते हैं, और क्रंच तभी इन सब्जियों में रहेगा जब हम इसको हाई फ्लेम पे सेकेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, इनको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब जो कढ़ाई में तेल बचा है इसी में डाल देंगे 1/2 स्पून जीरा, 1 पिंच हींग, साथ ही साथ प्याज टमाटर कैप्सिकम का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था उसको ऐड कर देंगे, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो लोग वेजिटेरियन और नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार की ये सब्ज़ी है। साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच सब्जी मसाला ऐड कर दिया है, 1 चम्मच ही यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिए, इससे तीखापन नहीं आएगा, और 1/2 स्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले जब अच्छे से भुने जाते हैं तभी सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम करते हुए मसालों को मैंने भून लिया है। लिड लगा के ऑयल सेपरेट होने तक इसे पका लेते हैं। लिड लगा कर देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो मसाले हैं उन्होंने ऑयल्स रिलीज कर दिया है, साइड साइड्स में दिख रहा है। अब ज़्यादा तो हमने तेल यहाँ पर डाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तो रिलीज़ नहीं होने वाला है, लेकिन मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं।
एक बार नीचे से अच्छे से चला देते हैं जिससे कि नीचे से लगे ना। अब इसमें बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे कसूरी मेथी एक चम्मच है, उसको रोस्ट कर लिया था, हाथों से अच्छे से क्रश करके इसमें मिक्स कर देंगे। रेस्टोरेंट की जो भी ग्रेवी होती है ना उसमें कसूरी मेथी ये लोग ज़रूर ऐड करते हैं। एक बार अच्छे से फिर से इसको मिक्स करेंगे। इस टाइम पर कसूरी मेथी ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। अब जो हमने दही को मिक्स करके रखा था ना तो उसको ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा क्योंकि इसमें दही ऐड है ना, अगर आप हाई फ्लेम पे ऐड कर देंगे तो दही फट जाएगा। और या तो आप गैस का फ्लेम ऑफ करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छे से एक बार मसालों के साथ में दही क्रीम को अच्छे से मिक्स करिएगा। 2 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे दही और मलाई का यूज़ किया है ना, जैसे जैसे मलाई पकेगी उसके साथ में ग्रेवी के साथ में तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा मसाले का। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी भी बन रही है। तो जब आप इस सब्ज़ी को घर में बना रहे होंगे ना तो इस टाइम पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होगी, लगेगा कि हाँ पता चल जाएगा कि सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अब जिसमें क्रीम था ना उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड लगाकर इसे हमें 2 मिनट पका लेना है। 2 मिनट भूनने के बाद ये देखिए हमारा जो मसाला है वो बहुत ही लाजवाब से बनकर रेडी हो चुका है। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। अगर आपको ये ग्रेवी थिक रखनी है तो यहाँ पर आप पानी ऐड बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको राइस के साथ में इसे इंजॉय करना है, थोड़ी सी पतली ग्रेवी अच्छी लगती है उसमें, तो मैं यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए गर्म पानी का यूज़ करूँगी। 1/2 कप यहाँ पर गर्म पानी यूज़ करेंगे, साथ ही साथ नमक ऐड कर दीजिएगा अपने टेस्ट के अनुसार। फिर से अच्छे से एक बार मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद लेड लगाकर इस ग्रेवी को हमें 2-3 मिनट पकाना है। 2-3 मिनट ग्रेवी पकने के बाद आप उसका टेक्सचर देखिएगा, बहुत ही लाजवाब सा बनकर रेडी होगा। आपने देखा इसमें हमने ऑयल का बहुत कम यूज़ किया था, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल टेक्सचर इसका बहुत ही लाजवाब आया है। अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अनियन और मिर्च को फ्राई करके रखा था ना, इसी टाइम पे इसको ऐड कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पका पकाया है, उसको हमें पकाने में अब टाइम नहीं लगेगा। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए हमने टमाटर और दही का यूज़ किया है, तो जो खट्टापन है उसको बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच यहाँ पर चीनी डालनी है। इससे इसमें मीठापन बिल्कुल भी नहीं आएगा लेकिन बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो ज़रूर डालिएगा आप यहाँ पर। और 1/2 स्पून गर्म मसाला ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इस सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका है। एक बार आप बनाएंगे ना तो यकीन मानिए दोबारा बहुत जल्द बनाएंगे क्योंकि सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अच्छे से मिक्स करने के बाद लिड लगा के सिर्फ 1 मिनट आपको कुक करना है, वो भी मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है, लग रही है ना बिल्कुल चटखारेदार सब्जी। तो आप भी इस बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे कुछ मैंने धनिया पत्ती कट करके रखी, इसको ऐड कर देंगे। अब सब्जी तो हमारी रेडी हो गई है, इसको अब सर्व कर लेते हैं सर्विंग डिश में। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप इसको ना राइस के साथ इंजॉय करिए या पूरी पराठे नान किसी के साथ भी इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास ही लगा बेल आइकन ही प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। इसी तरह की यूनिक और आसान रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।